हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं मैथ्स का सबसे फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसे सीखकर आप एग्ज़ाम में काफ़ी समय बचा सकते हैं। हर एग्ज़ाम में मल्टीप्लिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपको कई सारी इजी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बताने वाली हूँ। आज हम 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 24 मल्टीप्लाई 12, ए बी मल्टीप्लाई सी डी। इसके 3 रूल्स होंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। बी मल्टीप्लाई डी, सेकेंड ए मल्टीप्लाई डी प्लस बी मल्टीप्लाई सी। ए मल्टीप्लाई डी प्लस बी मल्टीप्लाई सी एंड थर्ड होगा ए मल्टीप्लाई सी। ए मल्टीप्लाई सी, 4 मल्टीप्लाई 2 8, सेकेंड 4 मल्टीप्लाई 1 4 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 4, टोटल 8। तो यहाँ 8 लिखेंगे। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 1 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल 23 मल्टीप्लाई 41। रूल फर्स्ट 3 मल्टीप्लाई 1 3, सेकेंड 2 मल्टीप्लाई 1 2, 4 मल्टीप्लाई 3 12, टोटल 14। 14 का 4 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी जो नेक्स्ट रूल में ऐड होगा। 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 और 1 कैरी, 8 करेंगे तो 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल 94 मल्टीप्लाई 32। 4 मल्टीप्लाई 2 8, 9 मल्टीप्लाई 2 18 एंड 4 मल्टीप्लाई 3 12, टोटल 30। 0 यहाँ लिखेंगे और ये जो कैरी है इसको नेक्स्ट में ऐड करेंगे। 9 मल्टीप्लाई 3 27 और 27 प्लस 3 30। तो इस तरह एकदम सिंपल तरीके से किसी भी 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू।